नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पारमिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपका बुढ़ापा कैसे रहेगा, आपकी जवानी कैसे रहेगी और आपका बचपना कैसे रहेगा। सबकी चाहत होती है, सबकी इच्छा होती है कि हम अपने जीवन में क्या धन कमा पाएंगे, और ये भूत भविष्य वर्तमान की सबको ये की फिक्र होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के उद्गम के बारे में बताती है, हमारे भविष्य के बारे में बताती है। इसी प्रकार से मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा एक प्रेम संचार के बारे में बताती है, एक दूसरे के अटैचमेंट के बारे में बताती है। तो आज हमने चाहत की बात की, समझने की बात की है कि आपके बचपना कैसा रहेगा, आपकी जवानी कैसे रहेगी, आपका बुढ़ापा कैसे रहता। सभी लोगों की इच्छाएं होती है। कई लोग देखें, जब मन की इच्छा होती है, मन की समझने की बात होती है, तो सबसे पहले देखें आपके अपने हाथ के अंगूठे में। अंगूठा एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है हस्तरेखा शास्त्र के माध्यम से, कि जीवन के सारे व्यक्तित्व को व्यक्त कर देता है। कहते हैं आपकी जीवन की कहानी को एक कला के रूप में प्रदर्शित कर देता है। अंगूठा आपके चाहत की इच्छाओं को पूर्ण करता है, आपके इच्छाओं का संकेत देता है। आपका नेचर कैसे है, आप कितने लोगों के साथ घुले मिले व्यवहार अपनाते हैं, कि आपके जीवन में कड़वाहट का एक रोब का एक सिंबल को बताता है हमारा अंगूठा। कहते हैं आप कितने झुकावदार हैं, आप कितने कड़कदार हैं, वो सारी स्थिति को देखना होगा तो अंगूठे को ही देखना होगा। और ये अंगूठा जो है आपका बचपना, आपका बुढ़ापा, आपकी जवानी को ही प्रदर्शित करता है। आपके जीवन में अगर देखें पैसे की अधिकता कब होगी और किस पड़ाव में होगी। कई बार कहते हैं ना कि हम बचपना हमारा बड़ा संघर्ष में बीता है, और जवानी में भी हम संघर्ष में रहे हैं, क्या बुढ़ापा भी संघर्ष में रहेगा। कई लोगों को तीनों चीजें एक समान मिल जाती हैं, और कई लोगों को बचपन अच्छा है तो कहीं बुढ़ापा बेहतर हो जाता है। तो इसी पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले ये अंगूठे में तीन पोर होते हैं, तीन खंड देखें अगर अपने हाथों में आप, तो तीन खंड होते हैं। यहां पे जो पहला नियम है आप अपने हाथों में देख सकते हैं चीजें, अगर यहां पर एक जौ का चिन्ह बन जाए ऐसे, इसको बोलते हैं यो, ये काफी सुख शांति की तरफ लेके जाता है, आपके प्रोग्रेस के बारे में बताता है, आपके कैलकुलेशन के बारे में बताता है, आपका कितना तेज दिमाग है उसके बारे में भी बताता है। कहते हैं ना कि बुद्धा ही तेज दिमाग वाला इंसान दुनिया में काबिज हो जाता है। अगर देखिए पहले पोर पे अगर आपका ये अंगूठे का जो पहला पोर है उस पे यव का साइन, यहां पे यव का साइन अगर बन जाए ऐसे, तो समझ लो कि आपका बचपना बेहतर होने वाला है। ना तो आपको पैसे की तरफ से कोई दिक्कत परेशानी आने वाली है, ना तो आपको किसी और के एंगल से, क्योंकि आपका बचपन बड़ा सुख और समृद्धि का माना जाएगा, और जीवन में जो चीजें आप चाहेंगे वो हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये आपके सुखों की कामना के बारे में बताता है, आपके सुखी जीवन के बारे में बताता है, कि आपका जो बचपन वाला जीवन था काफी सुखमय था, काफी समृद्धि थी, काफी खुशहाली थी। लेकिन ये यव का साइन पूरा बना होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है ऐसे बना हो, अगर ये खुला है बीच में तो यव का साइन नहीं माना जाएगा।
अगर पूरी तरह से बना है तो योग का साइन है और वो फल भी आपको मिलेगा। वो सेज में बचपना में है तो बचपना में ये सुख आपको मिलेगा। इसी प्रकार से अगर ये योग का साइन ही आपके मध्य में बनता है तो आप समझे आपकी जो युवावस्था है, बचपना तो कैसे भी स्ट्रगल में आपने बिता लिया, जीवन कैसे भी कष्ट में देख लिया, लेकिन वक्त बदला, समय के साथ आपने अपने युवावस्था में कुछ ऐसे बदलाव किया जीवन में कि आपके सुख और समृद्धि की तरफ लेके जाएगा। जीवन आपकी केलो की चार चांद लग जाएगा और जीवन में वो सारी फैसिलिटियां, सारी रिक्वायरमेंट, सारी सोची हुई कल्पनाओं को ही व्यक्त करता है कि आपका जो युवावस्था होगा वो काफी सुखशाली, समृद्धि, सुखमय होगी। और इसी प्रकार से अगर यव का साइन यहां पे बनता है, यव का साइन अगर मान लो यहां पर बनता है तो आपका जो बुढ़ापा है बड़ा सुखमय होने वाला है। कह लो कि बुढ़ापे में पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी और किसी प्रकार की ऐसी दिक्कतें आने वाली नहीं है, क्योंकि आपके जो सुख समृद्धि की चीजें हैं वो यहीं पे मिलने वाली हैं। बचपना आपने देखा कैसे स्ट्रगल में बीता है और जवानी कैसे बीती है, लेकिन अगर इन दोनों हाथ पे, इन दोनों पर्वों पे नहीं है दोनों, तो यहां अगर लास्ट में बनता है तो समझ लो कि आपका बुढ़ापा बड़ा सुखमय, सुखहाली, वक्त के साथ आप बदले हो, अपने आप को ढाल लिए हो, अपना जीवन बड़ा बेहतर और सुखमय होने वाला है। लेकिन अगर ये तीनों पर्व पे, मान लो कि तीनों पर्व पे ये दीप का साइन नहीं बनता है तो आपकी युवावस्था भी वैसे निकल गई, आपका बचपना भी निकल गया और बुढ़ापा भी निकल गया। मान लो जीवन में एक संघर्ष ही संघर्ष आपको मिला है। अगर इन तीनों में से किसी एक पे या तीनों पे है तो समझ लो जीवन आपका सार्थक है, जीवन आपका खुशहाल है। जीवन आपका जो लास्ट वाला पड़ाव है, कहते ये थोड़ा सा कष्टमय होता है, जिसको कि कहते हैं भविष्य की जानने की इच्छा। तो ये अगर आपके हाथ में ये तीनों पर्व पे हैं तो आपका तीनों युवा मजबूत और अच्छे सुखमय की कामना के बारे में बताएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो आप देखें तो जीवन में ये संघर्ष ही संघर्ष को दर्शाता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी एक वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।